में जा रहा हूँ, शाम तक लौटूंगा घर। नीतू जी पापा, कहाँ जा रहे? वो पापा आकाश की बर्थडे पार्टी है, उधर जा रहा हूँ। नो नो नो, इतना कोरोना बाहर फैला हुआ, तुम कहाँ घूमने जा रहे हो? पापा सब कुछ अनलॉक हो गया है, सारी दुकानें सारी सीटियां खुल चुकी है। अनलॉक हुआ है, कोरोना खत्म नहीं हुआ, कोरोना अभी बुरी तरह से फैल रहा है। पापा मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं, तब मैंने सोचा मैं भी चला जाता हूं। तो उससे क्या फर्क पड़ता है, जब इतने कोने में तुम कैसे जाओगे? अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे मेरा बच्चा? मम्मी मैंने आपको कल बताया था ना कि आकाश की बर्थडे पार्टी है, वहीं जा रहा हूँ। और पापा देखो मना कर रहे हैं। जाने दो ना बेचारे को, पूरा सिटी खुल चुका है, अनलॉक हो चुका है सारा, सब लोग तो घूम रहे हैं बाहर। पर भाई इतना कोरोना, अरे कोई कोरोना वरोना कुछ नहीं है, जाने दो बेचारे को। हाँ पापा जाने दो ना, जाने दो ना, शाम तक आ जाऊंगा। जाने दो उसकी अनसेसरी, तुम ना वो वक्त किया करो। अनलॉक हो चुका है ना, जाने दो। अनलॉक होने से हमारा कोरोना खत्म हो गया? नहीं नहीं जाने दो, जाने दो। पापा शाम तक आ जाऊंगा। कितने बजे तक आओगे? 8 बजे तक। मास्क पहन के जाना और हैंड सैनिटाइजर लेके जाना, और कम से कम दोस्तों से 2 गज की दूरी बना के रखना, प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके रखना। थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मी। यार क्या पापा, मास्क वास्क पूरा पर्सनैलिटी खराब कर दी। चलो अब तो है नहीं, आई डोंट नो कहता हूँ। हेलो आकाश, हैप्पी बर्थडे। कैसा है मेरे भाई? नीतू अंकल ने आने दिया। यार क्या बताऊँ, मुझे बहुत बोल बोल के बहुत उम्मीदें लगा के आया हूँ, फिर 8 बजे से पहले घर भी जाना है, तो चल पार्टी शुरू करते, जल्दी चलते हैं जहाँ जाना है। पार्टी आकाश और सारे फ्रेंड्स ठीक है? जी मम्मी सब ठीक है, पार्टी बहुत अच्छी रही, हम बहुत घूमे बहुत फिरे, पार्टी बहुत अच्छी रही, आकाश वगैरह सब ठीक है। क्या हुआ ना? एक से हो रही है, गले में बहुत ज्यादा पेन है, मुझे सांस भी नहीं आ रहा है। मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। क्या हुआ भाभी जी? गले में दर्द है और खांसी भी हो रही है मुझे। हाँ मेरे पास अभी एकदम निशान जी का फोन आया, तो मेरे को पता लगा कि आपकी तबीयत खराब है। कब से हो रही है आपको? 1-2 दिन हो गए हैं। आप लेटो लेटो लेटो, आराम करो। आपको क्या हुआ भाभी जी आपको? मुझे फीवरिश फीलिंग है, खांसी हो रही है। कब से हो रही है आपको ऐसा? आज रात से फील हो रहा है। पहले ठीक थे आप? हाँ पहले ठीक। कहीं बाहर तो नहीं गए थे? नहीं मैं तो बाहर नहीं गई हूँ। अच्छा कोई बाहर से आया हो? हाँ बेटा गया था 1-2 दिन पहले। अच्छा ओके। बाकी आपको कैसा फील हो रहा है? मुझे खांसी बहुत ज्यादा है, फीवरिश फीलिंग भी हो रही है। अच्छा खांसी भी है? हाँ। आपको सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है? अच्छा अच्छा कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आप रेस्ट कीजिए, मैं जरा बात करता हूँ। गुप्ता जी देखिए ऐसा है, घबराने की तो बात नहीं है, लेकिन मेरे को भाभी जी के अंदर कोरोना के सिम्टम्स लग रहे हैं। कोरोना? हाँ जी कोरोना। वो कैसे? अब भाभी जी जैसे बता रहे हैं कि बेटा आपका बाहर गया था, बाहर से आया है घूम के, तो देखिए कुछ भी हो सकता है। आजकल आपको पता है कि पूरे भारत में संक्रमित चारों तरफ हैं, और अब इसके सिम्टम्स ऐसे हैं कोरोना के, व्यक्ति के अंदर पाए ही नहीं जाते हैं फिर भी उसको कोरोना मिल जाता है। तो
तो इसके लिए घबराने की कोई ऐसी मतलब आवश्यकता आपको नहीं है होता है। तो कुछ टैबलेट्स हैं, मेडिसिन्स हैं, फिलहाल मैं आपको लिख देता हूँ, आप इनका स्टार्ट कर दीजिए। वो इम्यूनिटी पावर्स बढ़ाने के लिए होती है, जनरली इनको जल्दी इफेक्ट नहीं होगा। इसके अलावा मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप मॉर्निंग में सभी का कोरोना टेस्ट करा लीजिए, ठीक है? आप इसको लिख गुप्ता जी, रिपोर्ट आ गई है, आप सभी की आ गई है। ओके। मैंने आपकी, भाभी जी की और आपके बेटे की तीनों की रिपोर्ट कराई है। ओके। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, और जिसमें से आपकी वाइफ और आपका बेटा कोरोना संक्रमित, हाँ जी, बेटा भी है आपका। ओके। और भाभी जी भी है, दोनों कोरोना पॉजिटिव। जी हाँ, दोनों कोरोना पॉजिटिव हैं। तो आपको इसमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है, मैं उस दिन भी आपको बोल के गया था। थोड़ी सी प्रिकॉशंस हैं वो रखनी है, जनरल मेडिसिंस हैं, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने की मेडिसिंस होती हैं, और जनरल एंटीबायोटिक होते हैं। तो आपने घबराना नहीं है, प्रिकॉशंस ज्यादा इसकी मेडिसिंस है। अगर आप प्रिकॉशंस रखेंगे तो मेडिसिंस की भी जरूरत नहीं होगी। वी विल टेक। हाँ, तो प्लीज ये आपकी रिपोर्ट्स हैं, वी विल टेक टू। हाँ, यस, थैंक यू सो मच। ठीक है बाबू, नमस्कार। हेलो, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, इस फिल्म के माध्यम से हमने देखा कि कैसे कोरोना का लॉकडाउन खुलते ही नितेश अपने दोस्तों के साथ पार्टी अटेंड करने गया, एक बर्थडे पार्टी, और वहां से वापसी में वो अपने साथ कोरोना ले आया। उस कोरोना ने उसको और उसकी मम्मी को संक्रमित किया और एक भयंकर परिणाम निकला। दोस्तों, अभी देश में कोरोना गया नहीं है, सिर्फ अनलॉक हुआ है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है, हमें अपनी सेफ्टी खुद रखनी है, हमें मास्क लगाकर रखना है, हमें किसी से नहीं मिलना, हमें सामाजिक दूरी बनाकर रखनी है, क्योंकि हमारी सेफ्टी तभी है कि जब हम अपना बचाव स्वयं करेंगे। हमें अपने आप को बचाना है और सामाजिक दूरी बनाकर रखना है। तो दोस्तों, धन्यवाद, शुक्रिया।